हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन वेब वर्ल्ड। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले और ये बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसी टेक्निक की जिससे आपको डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा, वो भी वेरी इजीली। इसके लिए आपको टाइप करना होगा माई रिस्पॉन्स इज ऑन माई ओन वेबसाइट। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो सारे ब्लॉगर्स, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ब्लॉगर्स यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को जल्दी से रैंक कराने के लिए। इसके साथ आपको टाइप करना होता है आपकी टॉपिक का कैटेगरी। अभी जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ फनी, ये मेरा जोक्स की साइट के लिए है, तो इसमें आपको वेबसाइट्स की लिस्ट आ जाएगी। और ये यूजफुल किस लिए है? यूजफुल इसलिए क्योंकि इनका जो डोमेन अथॉरिटी होता है इन साइट्स का काफ़ी अच्छा होता है, इमिडिएटली आपको बैकलिंक मिल जाता है और ये बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा लिंक जूस मिलने वाला है आपकी साइट के लिए। ये आप देख सकते हैं इसका डोमेन अथॉरिटी 20 है, 25, 13, 21, 37, 17। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जिस पे आप इजीली अपना साइट का लिंक सबमिट कर सकते हैं और आपको एक डू फॉलो बैक लिंक मिल जाएगा एक हाई अथॉरिटी साइट से। इस तरह से आपको गूगल में सर्च करना है, जैसे अगर आपका एसईओ का टॉपिक तो एसईओ लिखना है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन। ठीक है, अभी मैं आपको डेमो जो है करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको लिंक सबमिट करना है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मैंने पहले से ओपन करके रखी है साइट्स। इसमें आपको जाना नीचे, आप देख सकते हैं कितने लोगों ने अपने वेबसाइट्स का लिंक इसमें सबमिट किया हुआ है। ठीक है, ये सारे इसी मेथड से सबमिट किए गए हैं लिंक्स। इसमें आपको सबसे नीचे जाना है पोस्ट अ न्यू कमेंट में। क्लिक करना है माई रिस्पॉन्स इज ऑन माई ओन वेबसाइट। आर्टिकल टाइटल में आपको टाइटल डालना है। ठीक है, और जो आर्टिकल आप रैंक कराना चाहते हो उस आर्टिकल का यूआरएल डालना है। आर्टिकल एक्सपर्ट में आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको साइट नेम डालना है एंड साइट यूआरएल, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। ऑथर नेम में आप अपना नेम डाल सकते हैं और उसके बाद आपको क्रिएट रेफरेंस में क्लिक कर देना है। अभी हमारा लिंक सबमिट हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी जो मैंने अपनी साइट का लिंक सबमिट किया वो अप्रूव हो गया है सेम टाइम। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, सिर्फ कंडीशन ये है आपको एक दिन में 4 से 5 ही सबमिट करने हैं, अदरवाइज क्या है कि स्पैमिंग हो जाएगा। तो डेली आप 5 लिंक्स अपनी साइट के लिए इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये मेथड आप यूज कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है और आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन ट्रैफिक के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं एक और आपको बना के दिखा देता हूं। ये देखिए कितने लोगों ने इधर रिस्पॉन्स किया हुआ है, अपने वेबसाइट के लिंक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको सिंपली जाना है माई रिस्पॉन्स इज माई ओन वेबसाइट। आर्टिकल टाइटल में आपको टाइटल डालना है आर्टिकल का, आर्टिकल का यूआरएल डालना है जिसको आपको रैंक कराना है, ये आपको ब्लैंक रखना है। साइट नेम डालना है, वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ऑथर नेम डालना है एंड क्रिएट रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी साइट्स के बैकलिंक्स बना सकते हैं हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स से। ये देखिए, इसका डोमेन अथॉरिटी जो है 20 है, तो काफी अच्छा ट्रैफिक आपको इससे मिलेगा। एक दिन में आप 4 से 5
ऐसे सबमिट कीजिए, ये देखिए सेम टाइम अप्रूव हो जाता है और जल्दी इंडेक्स होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, इवेंट ब्लॉगर्स के लिए ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत यूजफुल है। इससे आपका वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आप एक अच्छा अर्निंग कर पाओगे। आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें। धन्यवाद।